कि प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश के लोगों पर भेदभाव, तो सर क्या भेदभाव प्रशासन की तरफ से होता है? ऐसा कि अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन संपूर्ण भारतवर्ष में है जी, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनकी संस्था है जी। इन लोगों ने और मीडिया के भी जो लोग हैं मेरे मेंबर्स हैं जी, इन्होंने चाहे हरियाणा प्रशासन हो, चाहे चंडीगढ़ प्रशासन हो, चाहे स्थानीय लोग उत्तर प्रदेश के लोगों से इसलिए भेदभाव करते हैं, उनको पता नहीं क्या है कि यहाँ तक इन लोगों ने जमीन लिया सेक्टर 2 MDC पंचकुला में, ठीक है जी, और लगभग 30 वर्ष गुजर गया पिछली सरकारों ने इनका शोषण किया जी, और अब जो सरकार है मौजूदा सरकार जी, सन 2018 से पत्र व्यवहार चल रहा है, अधिकारी और जो संबंधित लोग हैं जी सभी का यह आश्वासन होता है कि काम हो जाएगा, कर रहे हैं, काम हो जाएगा, कर रहे हैं जी, लेकिन आज तक इस चीज़ का पता नहीं चल रहा है कि होगा कब जी, जबकि 30 वर्ष लगभग 30-32 साल गुजर जाने के बाद आधे से ज़्यादा मेंबर अपने सर पर, अपने बच्चों के सर पर मकान की छत की छाया देने की उम्मीद लिए जी, उनका देहांत हो गया, बच्चे भी दर्द से बदर ठोकरें खा रहे हैं जी, और आज तक सरकार के लोग सिर्फ आश्वासन देते चले आ रहे हैं जी, और किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं जी। बहुत दुखी बात है कि जबकि हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है जी कि सन 2024 तक हमने सबके मकान देने हैं, सबको स्थान देने, सबको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इसी आत्मनिर्भर भारत में जी हमारे जो लोग हैं शोषण है उन्हीं के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जी, सिर्फ आश्वासन मिलता है जी, काम कर रहे हैं। जैसे कि काशी बनारस से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हुए और आज देश के प्रधानमंत्री हैं, यूपी से ही सांसद होने के वजह से आज वो प्रधानमंत्री हैं, और यूपी के लोगों पर ऐसा भेदभाव हो रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते? नहीं, और यहाँ की उनकी सरकारें ही सुनती नहीं, यूपी के लोगों की तो सुनती नहीं जी, हरियाणा की ही बात नहीं, हरियाणा के में तो जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं अपने पैसे खर्च किया, अपने पैसे से जमीन खरीदा, लेकिन उनका इस तरह से शोषण हो रहा है जी, कि अभी लोग दर से बदर भटक रहे हैं जी। जहां तक चंडीगढ़ प्रशासन की बात है जी, यहां पर कई सालों से, कई वर्ष जी से गुजर गया जी, सन 90 से मतलब लोगों की मांग चली आ रही है कि चंडीगढ़ में एक यूपी भवन होना चाहिए, छोटी सी मांग है बिल्कुल। तो सर अभी जो पिछली सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने नहीं किया, आप बीजेपी की सरकारें हैं, लगभग 7-8 साल हो गया जी, जबकि संगठन खुलेआम बीजेपी का भी कभी जगह समर्थन करता रहा, कांग्रेस का भी समर्थन करता रहा समय समय पर जी, लेकिन क्योंकि संगठन गैर राजनीतिक है, किसी राजनीतिक दल की बात की वो पहुंची नहीं है जी, संगठन में सारे राजनीतिक दल के लोग हैं जी, उनके विकास के लिए संगठन बनाया गया है, लेकिन अब चंडीगढ़ प्रशासन कहता है कि हमने 2005 में एक एक्ट बना दिया है, उसका संशोधन नहीं हो सकता है, इसलिए भवन की जमीन अलाटमेंट नहीं हो सकते जी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है जी कि वोट लेने लेते समय कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कहता कि यूपी बिहार के लोगों को वोट नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को वोट नहीं चाहिए जी, वोट लेते समय कैसा आश्वासन रहता है कि सब कुछ करेंगे सब कुछ करेंगे, बस रात गई बात वाली बात कर लेते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए संगठन जो है शीघ्र एक रूपरेखा तैयार करेगा, आगामी जो भी चुनाव होंगे हम उसी राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे जो उत्तर प्रदेश के लोगों का सम्मान करेगा, उनके विकास के लिए काम करेगा, वो कोई भी राजनीतिक दल। तो अभी आपका जो संगठन है वो स्टेट लेवल पे करेगा या चंडीगढ़ लेवल पे करेगा? अभी तो चंडीगढ़ लेवल पर, लेकिन हमारी बातचीत चल रही है, हम अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से, राष्ट्रीय जो नेता हैं हमारे यहाँ से, उनसे बातचीत करेंगे जी, और जो है जिस तरह से हमारी बातें होंगी उसी राजनीतिक दल को समर्थन करेंगे, क्योंकि संगठन को जो आश्वासन मिला था बीजेपी को, बीजेपी की तरफ से अभी वो पूरे नहीं किए गए, ठीक है, कांग्रेस वालों ने तो किए नहीं 70 साल तक राज करने के बाद में जी, और बीजेपी के भी 7 साल निकल गए जी, यूपी भवन के अलाटमेंट के लिए कोई भी राजनीतिक दल नहीं बोलता जी। तो अभी लेकिन जो भाजपा के कुछ हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं जी, उनका आश्वासन चल रहा है कि नहीं यूपी भवन के लिए हम प्रयास करेंगे और संगठन को समर्थन जी। कौन कौन से ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो यूपी संगठन को सपोर्ट करने कर रहे हैं? राजनाथ जी है करते हैं, रक्षा मंत्री जी अपने लोगों को जी, उत्तर प्रदेश के लोगों को बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं जी, और मैं समझता हूँ कि पार्टी में होते हुए भी वो संगठन के उत्तर प्रदेश के लोगों को
पहली प्राथमिकता देते हैं। तो नॉर्थ इंडिया की जो सरकारें हैं या नॉर्थ इंडिया की जो पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश संगठन को क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है? उनको इसलिए भी नहीं सपोर्ट करते कि मतलब उनको डर रहता है कि हमारे वोट ज्यादा होते हैं क्षेत्र में जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे लोग संगठित हो जाएं और स्थानीय लोगों की कुर्सी छीन जाए, इस डर से भी उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।